नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में सिटी हॉस्पिटल के संचालक सबरजीत सिंह मोखा के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब दूसरे अस्पतालों में भी कार्रवाई की मांग सामने आने लगी है। जामदार अस्पताल, मेट्रो हॉस्पिटल और लाइफलाइन हॉस्पिटल के अलावा स्वास्थ्य हॉस्पिटल की जांच किए जाने की मांग सामने आई है। नकली रेमडेसिविर की खेप जो शहर में आई थी तो इन अस्पतालों तक भी पहुंची होगी, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। वही एनएसय ने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी सौंपा। आज हम एसपी कार्यालय में पांच हॉस्पिटल को लेकर आज ज्ञापन देने आए। जामदार, मेट्रो, लाइफ सिटी, सॉस्टिक, ऐसे हॉस्पिटल हैं मुझे लगता है और पूरे हमारे जबलपुर संस्कारदानी को लगता है कि यहाँ वहाँ पर भी नकली इंजेक्शन गए हैं, परंतु पुलिस प्रशासन क्या रवैया अपना रहे इन लोगों के लिए, आज इसी हम चाहते हैं कि उनके ऊपर भी जाँच का विषय बने। और जिस प्रकार मोखा जी कल जेल गए हैं वो भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनको ना हथकड़ी लगाई गई और ना कि उनको ऐसा भेजा गया जैसे कि कोई दूल्हा बारात में सस्ता है। और उनको ये भी जांच का विषय, इसी मुद्दे को लेकर हम एसपी कार्यालय में आए और अपनी बात रखी। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक और उनकी टीमों ने जो इस तरह से मोखा को नीपा पोती वाली कार्रवाई की है, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये इनकी कार्रवाई जो है वो इस तरह की है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 7-8 हॉस्पिटल के हमने नाम लिख के दिए हैं, जिसमें जबलपुर हॉस्पिटल का नाम भी आ रहा था, मेट्रो हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम आ रहे थे, पर उनको सेव करके सिर्फ एक हॉस्पिटल को उनने प्रेशर बना के जनता की मांगों पर उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। जब कल उनको जेल भेजा जा रहा था तब हमने देखा कि वो सूटकेस लेके जेल के अंदर जा रहे थे। अन्य कैदी रहते, जैसे हम लोग भी कभी कभी गिरफ्तारी होती जेल जाते हैं तो हमको एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिया जाता, तो ये सूटकेस लेके कैसे चले गए? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और दूसरे भी इनके सुगंध आ रही है कि कुछ ना कुछ इसमें है मामला, जो दबाव में इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जेल में उनके वीआईपी ट्रीटमेंट, जो व्यक्ति सूटकेस लेके जा सकता है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा? आपकी मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे? हम सोमवार से लगातार अगर प्रदर्शन करेंगे। आज हमको दबाया भी जा रहा था, चमकाया भी जा रहा था, पर इससे एनएसय छात्र संघ डरा नहीं है, लड़ा भी है और आगे भी लड़ाई करता रहेगा। सोमवार से चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, हथकड़ी नहीं लगाना पड़े, तो हम लगाएंगे। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता, सात आठ को जो हमने नाम लिख के दिया है हॉस्पिटल की, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उस पर जाँच नहीं की जाती, तो एनएसय आगे लड़ाई लड़ेगी। क्या मामला है यहाँ? एनएसय ने ज्ञापन दिया है कि जबलपुर के अस्पतालों में रेमडेसिविर से रिलेटेड या ऑक्सीजन से रिलेटेड जो गड़बड़ियाँ चल रही उस पर जाँच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, तो ये हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और क्या क्या मांगे थी इनकी? इनकी यही मांगे थी कि बाकी जो सिटी हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई है उनमें उसमें और धाराएं बढ़ाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, तो वो भी हम कराएंगे। और सभी हॉस्पिटलों की जांच की जाए, वहाँ भी अगर किसी प्रकार की कालाबाजारी या धांधली चल रही है तो हमने इनको बोला है कि हम अश्योर करते हैं, हम सभी कार्रवाई कराएंगे। और यदि आपकी निगाह में कोई ऐसा आता है तो कृपया हमें जानकारी दें, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करें। सर, लगभग देखा जा रहा है कि हर हॉस्पिटल काफ़ी लूट खसूट कर रही है, कई आपके पास ज्ञापन भी आ रहे हैं, लोग शिकायत करने आ रहे हैं, पुलिस कौन सा कदम उठाएगी जिससे ये सब बंद होगा? क्योंकि कोरोना काल काफ़ी समय चल रहा है, सभी घर में बीमारी है और अपना कहते हैं हॉस्पिटल प्रशासन इस पर कोई देखने से सबसे पैसे की ज़्यादा मांग कर रहा है, उनकी मौत भी हो रही है, ऐसे पुलिस प्रशासन क्या करने जा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है, जो लीगली अगर उनका है कि इतना अमाउंट जो सेंक्शन हुआ है उससे ज़्यादा है, तो हम कलेक्टर महोदय को पत्र लिखेंगे उस पर, क्योंकि एक्शन यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो कालाबाजारी से संबंधित चीज़ें हैं उस पर हम तत्काल एफआईआर करेंगे, जहाँ भी जानकारी हमें मिलेगी।